सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य बुक अध्याय संख्या 13 और इस अध्याय का नाम है हिमालय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत कविता के बारे में। हिमालय से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हिमालय कविता से हमें क्या सीख मिलती है, हम अपने जीवन में हिमालय पर्वत से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, परंतु ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। नेपोलियन बोनापार्ट। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। कभी आपने हिमालय को देखा है अपने पथ से हिलते डुलते हुए? वो अपने पथ पर अडिग रहता है, तो उसे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि डरना नहीं चाहिए आंधी या पानी से या किसी भी मुसीबत से। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, खड़े रहो अपने पथ पर अडिग होकर, यानी अटल होकर, अपने पथ पर अटल होकर खड़े रहना चाहिए। किसी भी संकट या मुश्किलों से हमें नहीं घबराना चाहिए। डिगो ना अपने प्राण से तुम। प्रण का अर्थ होता है दृढ़ या पक्का निश्चय। हमें अपने हर मार्ग पर दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नव के तारे। हम भी सब कुछ पा सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं और छू सकते हैं नव के तारे, लेकिन हमारा दृढ़ पक्का होना चाहिए, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से लड़ा हिमालय है, इसलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। हिमालय में कितनी बाधाएं आती, कितनी तूफान आती है, आंधी आती है, बाढ़ आता, सैलाब आता, लेकिन फिर भी हर एक चीज से वो अडिग रहता है, अपने पथ पर अडिग रहता है, कभी वो अपने पथ से नहीं हिलता। इसी प्रकार हमें भी इसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए एवं हर मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। जीवन मूल्य, हमें पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अब हम जानते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संकट आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, संकट आने पर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 2, हम सब कुछ किस प्रकार
पा सकते हैं। उत्तर, दृढ़ निश्चय, एवं धैर्य, के साथ हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रश्न 1, संकट आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, संकट आने पर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 2, हम सब कुछ किस प्रकार पा सकते हैं? उत्तर, दृढ़ निश्चय एवं धैर्य के साथ हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की कौन सी विशेषता बताई गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में हिमालय पर्वत की यह विशेषता बताई गई है? बताई गई है कि जीवन में जितनी भी बाधाएं
जितनी भी बाधाएं आए हमें पूरे साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। एवं दृढ़ निश्चय के साथ एवं दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में हिमालय पर्वत की कौन सी विशेषता बताई गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में हिमालय पर्वत की यह विशेषता बताई गई है कि जीवन में जितनी भी बाधाएं आए हमें पूरे साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए एवं दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे शब्दार्थ। प्रण 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 का अर्थ होता है दृढ़ या पक्का निश्चय। नभ के तारे छूना। तारे छूना खूब उन्नति करना। खूब उन्नति करना। पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। नव नव का अर्थ होता है आकाश। अचल अटल अडिग ज
जग। जग का अर्थ होता है दुनिया। संसार, स्टूडेंट्स आज का होमवर्क है प्रश्नों के उत्तर एवं शब्दार्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें और उसे याद करें। थैंक यू।